अगली बड़ी खबर दिल्ली से है। आजम की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। जी हां, आजम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं होगी। जस्टिस नागेश्वर के ना आने पर इस मामले में सुनवाई नहीं होगी। आजम ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। रामपुर सदर सीट से नामांकन कर चुके हैं आजम खान, जेल से ही नामांकन कर चुके हैं। और दो साल से सीतापुर जेल में बंद आजम ने कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों में काफी धीमी कार्रवाई चल रही है और इसीलिए अंतरिम जमानत आवश्यक है। क्यों सुनवाई टली है और ज्यादा विस्तार में जान लेते हैं। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या हुआ है आज? ये जो बेंच थी जस्टिस एल नागेश्वर राव की, ये बेंच थी जस्टिस एल नागेश्वर राव आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं। वो किन्हीं कारणों से आज अपनी जो है बेंच पे नहीं बैठे हैं, वो शायद आज छुट्टी पे हैं, इसीलिए सुनवाई टल गई है। अब अगर बात करें तो कल एक बार फिर से सुनवाई के लिए वो बैठेंगे तो आजम खान के वकील के द्वारा अर्जेंट हियरिंग से इस केस को लगाया जाएगा, जिसके बाद जज ये तय करेंगे कि इस मामले को अर्जेंट हियरिंग में सुना जाए या न सुना जाए। फिलहाल आज की सुनवाई टल गई है। सुनवाई इसलिए टली है क्योंकि जस्टिस एल नागेश्वर राव वो आज अपनी सिटिंग बेंच पे नहीं बैठे, इस कारण सुनवाई टल गई है। क्या कहा गया इस याचिका में, एक बार जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो इस याचिका में ये कहा गया है कि आजम खान, चूंकि आजम खान ने याचिका लगाई तो उन्होंने ये कहा है कि वो अपने चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहते हैं, लिहाजा उनके खिलाफ जो तमाम सारे मामले दायर है उसमें दो साल से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और उनको अंतरिम जमानत दी जाए जिससे कि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। अगर बात करें राजेंद्र, तो इसी तरीके से ठीक इसी तरीके से एक याचिका भदोही के ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा ने भी डाली थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनको भी अपने चुनाव प्रचार के लिए इजाजत दी जाए और अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की थी। लेकिन अब आजम खान ने याचिका डाली तो आजम खान की याचिका पे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अविनाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप और इसके लिए हमें कल का इंतजार भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।